गाइस फाइनली भस्म आरती की पर्ची अपने को मिल गई। जय श्री महाकाल। मजा आ गया। गॉट इट, आई गॉट इट। कल दर्शन करेंगे सुबह पापा के। जय श्री महाकाल दोस्तों। सुबह के 4 बजे ने लव एनिमल लव नेचर लव ऑल फॉर सो मच यूट्यूब फैमिली एक लाइन में उधर लगा गया हूँ। और ये इंस्टेंट जनरल दर्शन है भस्म आरती के। ये चलते चलते दर्शन होंगे। और एक होते हैं जो बैठे बैठे होते हैं, जिसमें आपको फॉर्म वगैरह लेना पड़ता है। मैंने नंबर लगाया है बट पता नहीं वो फॉर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट ये वाले दर्शन तो मेरे हो जाएंगे। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और बाबा की कृपा और मेहरबानी मेरे ऊपर कल से लगभग शाम से बहुत है। उनकी दृष्टि मेरे ऊपर आ गई है और अच्छी दृष्टि है। आज मैं इतना आगे खड़ा हूँ, देखो वो काउंटर है और लगता है कि आज अपना नंबर आ जाएगा। वो फॉर्म मिल जाए आज मजा आ जाए कसम से। अपना नंबर आ गया। गाइस गाइस फाइनली भस्म आरती की पर्ची अपने को मिल गई। जय श्री महाकाल। मजा आ गया। है भाई साहब, एक काम अच्छा हो गया और एक काम खराब हो गया। अच्छा ये हो गया कि कल मेरे को महाकाल के दर्शन करने के लिए नंबर मेरा आ गया, और ख़राब ये हो गया मेरे होटल वाले ने मेरे से बिना पूछे मेरा कमरा किसी और को दे दिया। और अब उसका फ़ोन आया था, कहता आपको रूम खाली करना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कोई बात होती है। अभी जाके हम पता करते पूछते हैं उनसे कि ये ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ। और अभी 9 बज रहे हैं, मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ। एक बारी मैं बात करता हूँ उनसे, फ्री होकर के मैं आपको अपडेट देता हूँ थोड़ी देर में। और आज तो अपने पास घूमने को कुछ ज़्यादा है नहीं, वह अभी मैं अंदर जाऊँगा फिर दोबारा दर्शन करूँगा अपना महाकाल जी के, और उसके बाद मैं काल भैरव के दर्शन करूंगा। और मेरे को वो लुंगी खरीदनी है। आज का बस इतना छोटा सा प्रोजेक्ट है अपना दिन भर की दिनचर्या। कल सवेरे दर्शन करके महाकाल जी के भस्म आरती के, और उसके बाद मैं दिल्ली के लिए कूच कर जाऊंगा वापसी। लो जी, आज ये हमारा नया बसेरा है। हमें चेंज करना पड़ गया। वॉशरूम देखें जरा, हालत इंडियन हो तो ज़्यादा बेहतर है। इंडियन है, मज़ा आ गया। इंडियन पॉट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है कहीं ट्रैवल करते टाइम पे, क्योंकि वेस्टर्न पॉट मेरे को हाइजीन लगता नहीं है ना ट्रैवल टाइम पे, इसलिए। तो अब हम फॉर्म वगैरह भरते हैं और उसके बाद आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करते हैं। अभी हम फिर जाएंगे मंदिर में दर्शन के लिए 1 बजे, और फिर हम जाएंगे भस्म आरती के लिए, और फिर हम धोती लेंगे, सुबह दर्शन करेंगे और कल हम दिल्ली के लिए निकल पड़ेंगे। ये भाई को देखो, इन भाई का हेयर कट देखो, आपको दिखा कुछ डिफरेंट? भाई का न्यू स्टाइल का हेयर कट है। गाइस 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 हम आगे फॉर्म जमा करने के लिए। ज्यादा डिटेल नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। ओह, एड्रेस पता चल गया आपको मेरा। अब हम फॉर्म जमा करेंगे और अभी हम लेंगे धोती वगैरह और काल भैरव के दर्शन करने हैं। और लगभग मेरा सारा काम कंप्लीट है। काल भैरव के दर्शन करने हैं अभी, करूँगा थोड़ी देर में, और एक बारी महाकाल जी के दर्शन दोबारा करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं शिवलिंग को छूँ और शिवलिंग पर जल अर्पित करूँ, और कल सवेरे दर्शन करके कल मैं दिल्ली की तरफ निकल पड़ूँगा। तो अभी एक बारी फॉर्म ले लूँ, फोटोग्राफ वगैरह होगी, उसके बाद मैं आपसे 5 मिनट के बाद मिलता हूँ।
I got it. कल दर्शन करेंगे सुबह सुबह बाबा। गाइस गर्मा गर्म न्यूज़ है आपके लिए। पहले तो बुरी खबर बता दूं, मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए रूम पे गया था लगभग एक घंटा, मुझे फिर दोबारा से बुखार आ गया। और गुड न्यूज़ ये बता दूं कि आज मैंने गर्भगृह के दर्शन किए, महाकाल को छुआ और दो चार बूंदे जल की उनके शिवलिंग पर रखी, अपना मस्तक टिकाया और उनको स्पर्श करने का बढ़िया मेरे को मौका मिला। लिटरली कह रहा हूँ मज़ा आ गया आज तो मेरे को। और मॉर्निंग में जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि मुझे सुबेरे भस्म आरती के पर्ची मिल गई है और कल मैं रात को 1 बजे मैं लग जाऊँगा लाइन में, तो क्योंकि जितना आगे रहूँगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अभी हम जा रहे हैं रामघाट में, साक्षी आरती होती है शाम को, संध्या को वो करूँगा और यहाँ पर 2 शक्तिपीठ हैं उसके दर्शन करूँगा और उसके बाद आपके जो काल भैरव हैं उनके दर्शन करूँगा और इस ब्लॉग की आज की समापन कर दूँगा। इसके साथ 2 ब्लॉग मैं पर्सनल बनाऊँगा जिसमें आपको जो भस्म आरती कैसे लेनी है फ्री वाली, उसके बारे में पूरी डिटेल शो करूँगा मैं आपको। और दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि आपको अगर महाकाल के गर्भ गुफा में जाना है तो कैसे जाना, क्या उसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी, मैं वो आपको बताऊंगा। अगले 2 ब्लॉग अलग अलग सेपरेट आएंगे यहाँ के। और इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको दूंगा, कमेंट में मेरे को कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं दोनों में आपको आंसर करूँगा। गाइस इसको बोलते हैं रामघाट और फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं आरती अटेंड करने के लिए। त्रिभुवन वंदिता शिप्रा इसको बोलते हैं। आपका महाकाल से हार्डली 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, जो आपका बड़ा गणेश जो मंदिर आता है वहाँ से राइट लेकर लेफ्ट लेना है और सीधे सीधे चलते जाना है तो आप सीधे यहाँ पर रामघाट आ जाओगे। बहुत आनंदित सीन है और यहाँ पर अभी हम आरती का लाभ उठाएँगे और आपको भी दिखाएँगे हम। हाँ, तेरे को ही ले रहा हूँ, वायरल करना है तेरे को। हाँ? पास नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी भैया? ए मछली नहीं है इसमें तो? हो सकता कुछ और हो, मगरमच्छ हो। मैं महेश्वर में था, मछलियां यहाँ हैं और मैं नहा रहा हूँ ना तो मेरे पैर पे मेरी पटों पे काट रही थी। यहाँ तो दूर फेंको, यहाँ तो दूर फेंके हैं तब भी नहीं आ रही। Thank you.
गाइस गाइस गाइस, आज किस्मत इतनी अच्छी थी। अभी हम रामघाट आए थे शिप्रा आरती में, शिप्रा आरती लेने के लिए। हमें क्या पता था मैया हमारी कहेंगे कि बच्चों आओ और आप ही आरती करो हमारी, तो हमने मैया की आरती करी थी। कुछ क्लिप्स मैं वो भी ऐड कर रहा हूँ। अब हम यहाँ से जा रहे एक शक्तिपीठ और काल भैरव, तो वहाँ के भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ और उसके बाद हम आज की वीडियो का समापन यहीं कर देंगे और कल की एक नई शुरुआत होगी। उसके बाद मैं अपने घर की जर्नी दिखाऊंगा कि मैं घर पहुंच जाऊंगा और ये ट्रैवल, ये यात्रा भी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद हम दूसरी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस फाइनली गढ़काली का मंदिर हम आ गए हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है ये माता रानी का, और यहाँ अंदर चल रहे हैं, अंदर दर्शन करते हैं और हम आते हैं। ये मेरा पहला शक्तिपीठ है उज्जैन में, उज्जैन में क्या होल इंडिया और पाकिस्तान इंक्लूड। तो अंदर चलते फटाफट, अंदर दर्शन करते हैं। मंदिर प्रांगण में आपका स्वागत है। अंदर का व्यू इतना अमेजिंग है, एनर्जेटिक है। माता रानी जी के दर्शन, ओ सॉरी फ़ोन हिल गया था, फ़ोन पे हाथ लग गया। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और मेरे एक शक्तिपीठ की शुरुआत हो चुकी है और माता रानी का आशीर्वाद हुआ तो 50 शक्तिपीठ मैं डेफिनेटली करूँगा। एक शॉट में आपको जय माँ गढ़काली का। अब मैं दर्शन करता हूँ और कुछ क्षणों के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो छोटे छोटे भैरव बाबा के यमदूत जो हैं, जो इनके फेवरेट डॉग्स हैं, और अभी हम काल भैरव में अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। काल भैरव इनको बोलते हैं, और काल भैरव में जो अंदर पत्थर की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर जब शराब चढ़ाई जाती है तो उसका आज तक पता नहीं चला कि वो जाति कहाँ पर है। और मॉर्निंग तक तो शराब चढ़ाई जा रही थी, बट अभी इवनिंग में शायद नहीं चढ़ाई जा रही। और अभी हम दर्शन करने के लिए आए हैं। ये जो मेरे को डिटेल दी है काल भैरव के बारे में, जो मैंने आपको बताया है, ये मेरे को ऑटो वाले भैया ने बताया, जिन ऑटो वाले भैया के साथ हम आए हैं। तो ये अंदर का प्रीमिसिस है और बहुत बढ़िया। ये देखो सारी की सारी ज्योति जल रही हैं, और ये अंदर काल भैरव। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आप मेरे चैनल से जुड़े हो और भगवान के आपको दर्शन करने को मिल रहे हैं। अंदर फोटो खींचना प्रतिबंधित है, तो अंदर मैं फोटो नहीं खींचूंगा, मैं यहीं पर ही खींच के आपको दिखा रहा हूँ। जय काल भैरव बाबा की, जय काल भैरव बाबा की। और मैं यहाँ पर वीडियो को रोक रहा हूँ और बाहर निकल के मैं आपसे बात करता हूँ। जय काल भैरव। गाइस गाइस गाइस, बहुत बढ़िया दुर्लभ दृश्य हुआ हमारा काल भैरव के साथ। अभी एक छोटी सी परिक्रमा करता हूँ और उसके बाद मैं आपको तत्पश्चात बताता हूँ स्टोरी क्या रही। जय बाबा काल भैरव। तो गाइज मैं आपको बता रहा था कि मैंने अभी परिक्रमा कंप्लीट कर दी, और कंप्लीट करने के साथ साथ भैरव बाबा के, काल भैरव बाबा के इतने दुर्लभ दृश्य हुए। एक लाइन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, दूसरी लाइन में भीड़ कम थी, मतलब कि एक मैं ही था जो मैंने दर्शन करे। 7 से 10 मिनट के दर्शन करता रहा, पंडित जी ने भी कुछ नहीं कहा। जब पीछे से क्राउड आ गया तो पंडित जी ने मेरे को आगे जाने को कहा। बहुत दुर्लभ दृश्य था और बहुत अच्छा रहा था, बहुत बढ़िया नज़ारा था। अब आगे चलते हैं, आपको एक और शक्तिपीठ दिखाता है, उसके बाद वीडियो को समापन कर देंगे आज की। उन पर आ गया हूँ। एक शक्तिपीठ तो मैंने कर लिया था, दूसरा शक्तिपीठ मैं कल करूंगा, क्योंकि अभी जो मेरे साथ जो 3 दोस्त थे जो अभी आज बने थे, तो उनके साथ फिर मैं कॉरिडोर दोबारा घूमने चला गया था। वो कहते चलो चलो चलो, फोर्स करने लग गए थे। तो अभी 11:15 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, और जो मेरा नया ब्लॉग होगा उसमें मैं अभी रात को 12 बजे अभी सेम टाइम पे अभी नहा धो के तैयार होकर के मैं 12 बजे लाइन लगाने के लिए चला जाऊंगा वहां पर, क्योंकि मेरे महाकाल जी के दर्शन है इस टाइम पे भस्म आरती के मॉर्निंग में। तो 12:30 बजे लाइन लगाऊंगा, जैसे जैसे करके हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद अपने भस्म आरती सुबह 4:15 बजे बाबा को उठाएंगे। उठाने के बाद 4:30 बजे के आसपास से उनका श्रृंगार शुरू हो जाएगा। 6 बजे तक लगभग हम फ्री हो जाएंगे आरती वगैरह कर करके, और उसके बाद फिर मैं शक्तिपीठ के दर्शन करके फिर मैं दिल्ली के लिए निकल पड़ूंगा। फिर हम नई जर्नी नई लोकेशन पे चलेंगे। बट सब्सक्राइब जरूर करना यार, प्लीज प्लीज। सो टिल देन बाय।